तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी बालक, यहाँ जो मैं चाहूंगा वही होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप शेषनाग जी? जब आपके पास अपना लोक है तो वन के भीतर क्यों जा रहे हैं? और उसके भीतर बसे निरपराध और निर्दोष लोगों को क्यों सता रहे हैं? और इन बालकों का क्या अपराध है? इन्हें तो छोड़ दीजिए। मेरी और मेरे लोक की नहीं, अपनी और अपने मित्रों की चिंता करो, क्योंकि इन्हें नागलोक से मुक्त कराने के लिए तो तुम्हें मुझे पार करना होगा। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही करूँगा मैं। मुझे पार करना तो दूर, मेरा विश्व तुम्हें सदा के लिए जड़ कर देगा बालक। ये क्या हुआ? मेरे विश्व तो तुम्हारा अंत हो जाना चाहिए था। वो तो नहीं हुआ शेषनाग जी। अब बात को आगे नहीं बढ़ाते, मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने मित्रों को छुड़ा लूं। विष का नहीं तो विषाग्नि का प्रभाव अवश्य होगा तुम पर। वरुण देव द्वारा दी गई जल की शक्ति है मुझ में, जो आपको बांध देगी। क्षमा कीजिए शेषनाग जी, ऐसा प्रतीत हुआ मुझे कि आपके क्रोध को शीतल करने की आवश्यकता है। चमक जो जल से उत्पन्न हो रही है, अरे शेषनाग जी तो मुक्त हो रहे हैं। मेरे नागलोक में मुझे पराजित करने का स्वप्न भी मत देखना बालक। स्वप्न लोक में कौन है ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा शेषनाग जी। अभी देखते हैं आप इस अस्त्र की शक्ति से सुरक्षित रह पाते हैं या नहीं। शेषनाग जी, संभव है अस्त्र शस्त्र का मेरा अभ्यास पूर्ण नहीं है, किंतु क्रीड़ा करना तो मुझे आता है। आइए ना, हम थोड़ी क्रीड़ा करते हैं, छुपा छुपी खेलते हैं। पकड़ सकते हैं तो मुझे पकड़ के दिखाइए। पकड़िए पकड़िए, आइए पकड़िए मुझे, आइए ना पकड़िए मुझे। कहिए
स्वीकार करते हैं मेरी चुनौती? अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, पकड़िए मुझे। आइए पकड़िए ना। अरे शेषनाग जी, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे पकड़ेंगे नहीं क्या? हाँ हाँ, आइए आइए पकड़िए मुझे। अरे मेरा शरीर तो इन शिलाओं में उलझा दिया इस दुष्ट ने। मेरा शरीर बांधा है तुमने बालक, किंतु मेरे मुख अभी भी मुक्त हैं। आपके ये मुख बहुत अधिक बोलते हैं, संकट भी उत्पन्न करते हैं, तो मैं अब इन मुखों को ही बंद कर देता हूँ। अब देखते हैं कि आप अपने मुखों को इस पाश से मुक्त करा पाते हैं या नहीं। प्रकाश पुनः कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? अब मुझे आपको अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दिखाना ही होगा। और मेरी ये गदा संपूर्ण नियंत्रण और शक्ति का ही प्रतीक है। इसके एक ही प्रहार से सहस्त्र गजों की सेना को नष्ट करना संभव है। बालक तो शेषनाग जी को आहत कर रहा है, हमें सहायता ढूंढनी होगी। अब मैं अपने मित्रों को मुक्त कराता हूँ। Thank you.
शेषनाग जी बार बार इस प्रकार कैसे लौट आते हैं? मुझे जल में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है जो शेषनाग जी के शरीर में प्रवेश कर उन्हें शक्ति देता है, किंतु उस प्रकाश का स्रोत क्या है? क्या है इस जल के भीतर जहाँ से ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है? तो यहाँ है शेषनाग जी की शक्ति का स्रोत। कहाँ गई? क्या छिपा रखा है इस दुष्ट ने अपने हाथों में? मेरी मणि? ये मणि है ना आपकी शक्ति के पीछे? मेरी मणि लौटा दो मुझे। नहीं, इसे तो नहीं लौटाऊंगा मैं। इसने तो मेरी मणि ही निगल ली। विष का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए मुझे इन्हें शीघ्र नागलोक से बाहर ले जाना होगा। शेषनाग जी, आपको नहीं, आपके भीतर छुपी आपकी धृष्टता को, आपके अहंकार को दंडित करूंगा मैं। आपकी उस शक्ति के अहंकार को मिटाऊंगा जो आपके भीतर आपके विष के रूप में विराजमान है। सहायता कीजिए नागराज वासुकी जी, किसी प्रकार हम लोग नागलोक से बचकर भाग कर आए हैं, किंतु वो बालक शेषनाग जी का वध कर देगा। सहायता कीजिए। मुझे अनुमति।
शेषनाग जी, अपनी शक्ति से किसी अन्य का अहित करना आपको शोभा नहीं देता। आपके नागों ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उन ऋषियों को भोजन तक से वंचित कर दिया और आप उनके बचाव में मुझसे युद्ध करने लगे। क्या आप भी मुझसे युद्ध करने आए हैं वासुकी जी? नहीं, कदापि नहीं। आपसे युद्ध करने का आशय नहीं है। मेरी विनती स्वीकार कीजिए, शांत हो जाइए। लोगों को ज्ञात है ये कौन है? महादेव और माता पार्वती के पुत्र पर ब्रह्म स्वरूप बालक गजानन है। प्रभु, मुझे, शेषनाग और अन्य नागों को क्षमा करें। क्षमा मुझसे मत मांगिए नागराज वासुकी जी, स्वयं विचार कीजिए। आप मेरे पिता जगत पिता महादेव के गले की शोभा हैं और कंठ पर विराजते हैं, और शेषनाग जी आप मामा श्री विष्णु जी के सिंहासन हैं। किसी भी प्राणी का पद और स्थान तो उसे और भी उत्तरदायी बना देता है। क्या आपका ये व्यवहार आपको शोभा देता है? दुर्बल को सताना शक्तिशाली का परिचय नहीं है। शक्तिशाली का धर्म तो निरी असहाय जीवों की रक्षा करना होता है। आपके नाग इन अबोध वनवासियों को सता रहे हैं और आपने उन्हें टोकने के स्थान पर इन बालकों का हरण कर इन्हें ही संकट में डाल दिया। क्षमा कीजिए प्रभु, अहंकार ने मेरे विवेक को हर लिया था। प्रभु, आज आपने हमारे अहंकार को नष्ट कर दिया। अपनी भूलों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु कि आज के बाद से ऋषियों की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उनके बालक को कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। उन्हें वन में जो चाहिए वो सब अवश्य प्राप्त होगा। अब आप शांत हो जाइए प्रभु, शांत हो जाइए और मुझे क्षमा कीजिए। जय देव, जय देव, जय देव, जय देव, जय देव।
हम कृतार्थ हुए प्रभु। विचार, शब्द और कर्म तीनों की शुद्धता का महत्व समझाकर आपने हमें सुपथ दिखाने का उपकार किया। प्रभु, मैं आपके पिता महादेव के कंठ पर विराजमान रहता हूं, इसलिए मुझे अपने शरीर पर जनेऊ के रूप में रहने का सौभाग्य प्रदान करें। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी नागराज वासुकी जी। शेषनाग पराजय पर भी प्रसन्ना, दिव्य दरस दे गए जो शिव जी के ललना। वासुकी हो गए जनेऊ गजानन की, जय हो जय सुमुख देव धर्म परायण की। ये लीजिए आपकी मणि। बालक गजानन, हमारी रक्षा के लिए हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे। तुमने हमारी रक्षा की, उसके लिए अनेकों धन्यवाद। हमें तो स्मरण भी नहीं था कि हम कैसे संकट में थे। धन्यवाद मित्र। मित्रों, अंत भला तो सब भला। अब तुम्हारी समस्त चिंताएं दूर हो गई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्रीड़ा तो अवश्य होगी। अद्भुत, अति सुंदर। गजानन, क्या हुआ देवराज? आप सभी इस प्रकार क्यों दौड़े आ रहे हैं? गजानन, स्वर्गलोक और देवता पुनः संकट में। आपने पूर्व में भी हमारी रक्षा की, एक बार पुनः हम पर कृपा कर हमारी रक्षा कीजिए।
स्वर्ग पर मुशिकासुर का आतंक छा है, हमारी रक्षा कीजिए गजानन। लोक के नए अधिपति मुशिकासुर का मनोरंजन किया जाए। अप्सरा का तू भी तमचाब आओ छिड़काओ, नृत्य से मुशिकासुर का मनोरंजन करो। कदापि नहीं दोस्त, कदापि नहीं, कदापि नहीं। मनोरंजन तो मैं तुम सबसे करवा कर ही रहूंगा। मुशक सेना, ये मुशक, अरे इन मुशकों से बचाओ हमें। हमारी चतुराई और हमारे बल के समक्ष सभी देवता तुम दबा के भाग गए। भाग गए तुम अप्सराओं को विवश करना मुशिकासुर के लिए कोई कठिन बात नहीं। अरे बचाओ हमें मुशकों से। डालेगी मेरी मुशक सेना, अन्यथा आरंभ करो मनोरंजन। मनोरंजन मैं कर देता हूँ आपका मनोरंजन असुर जी। महादेव, देवी पार्वती पुत्र गजानन, गजानन आ गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.